अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। थाना नारकी पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त प्रयास से कल रात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है पुलिस को। इसमें तीन लुटेरे पकड़े गए हैं, जिसमें नारकी का एक मुकदमा लूट का और टोल के पास जो गोलीकांड हुआ था, गोली मार के मोबाइल को लूट लिया था, वो घटना, सिकुहाबाद की एक घटना, एक अन्य घटना, इन चार घटनाओं का अनावरण हुआ है और इसमें तीन बदमाश पकड़े गए हैं जिनके अच्छे आपराधिक इतिहास भी हैं और जो बहुत सातिर बदमाश हैं। इसमें माल 2 315 बोर के कट्टे बरामद हुए हैं, 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं जो प्रयुक्त हुई हैं घटना में। इसके अतिरिक्त जो लूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद हो गया है। इसके अतिरिक्त लूटा हुए माल का जो बैग है वो बरामद हुआ है, 34,000 रुपये की भी रिकवरी हुई है। और सारे लुटेरे कहाँ के हैं, किस जगह के? इसमें ये तीन लुटेरे हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये तीनों लुटेरे अन्य अन्य जगह के हैं। एक तो ये मछसेना का है, थाना मछसेना का रहने वाला, एक थाना फलिया का रहने वाला है और एक नगला दयाली एतमादपुर आगरा का रहने वाला है। ये किस तरह की ग्रुप को अंजाम देते हैं? ये ग्रुप बना के काम करते हैं, एक टीम आगे रहती है, एक टीम सुधाग्रसी करती है और एक टीम आगे जाकर घटना का अंजाम दे देती है। कितने सदस्य लगभग होंगे इस गिरोह में? कितने लोग हैं इस गिरोह में? अभी 6 सदस्य होना प्रकाश में आया है, जिसमें 3 सदस्यों को हम लोगों ने पकड़ लिया है, 3 की तलाश जारी है। तो कैसे लोगों को निशान बनाते हैं, यात्रियों को निशान बनाते हैं, कैसे लोगों को निशान? ये लूट की घटनाएं चलते चलते किसी को स्पॉट किया, उसके पीछे लग गए, एक व्यक्ति स्पॉट करता रहा, सूचना देता रहा, दूसरे 3 जो है आगे से घेराबंदी करके लूट कर लेती है। छोटी छोटी लूटे भी इन्होंने कई की हैं, कुछ लूटे हैं जो अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और भी खुलने की संभावना है।